वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक आज के दिन में 10.75 पे ट्रेडिंग कर रहा है। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 पैसे की गिरावट देखने को मिले, यानी कि गैप डाउन से ओपन हुआ था। आज गैप डाउन से ओपन होने के बावजूद एक अच्छी मूवमेंट की थी। तकरीबन एक सुबह सुबह प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसको ब्रेकआउट मिलते एक अच्छी रैली की थी। ऊपर के साइड में 11 लेवल के ऊपर भी चला गया था, पर 11 लेवल के साथ ही ट्रेडिंग की थी बहुत समय से। फिर यहाँ पे आप देख सकते कि नीचे अभी रिसेंटली ऊपर सेटल नहीं हो पाए तो गिरावट देखने को मिले। जैसे कि आज ओपन हुआ था 10.75, जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 10.80 और आज का हाई 11.15 का और लो है 10.55 का। तकरीबन मार्केट कैप भी देख सकते हो 34.69,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वोडाफोन आइडिया स्टॉक का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में करीब यहाँ पे अप ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया था 7% ऑफ वोडाफोन आइडिया स्टॉक लास्ट यहाँ पे आप देख सकते 5 डेज में। और 1 मंथ की भी बात की जाए तो लास्ट 1 मंथ में करीबन यहाँ पे आप देख सकते 13% की रैली करता हुआ नजर आ चुका है, यानी कि 1.25% अप है वोडाफोन आइडिया स्टॉक। तो वोडाफोन आइडिया स्टॉक की बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते मार्केट कैप तो 34,000 करोड़ के ऊपर है। और यहाँ पे चार्ट एनालिसिस भी देखा जाए तो मंथली रजिस्टेंस 1 जो है उसका रजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, कल भी लिया था आज भी लिया है। जबकि इसको ब्रेकआउट मिलेगा तो और एक अच्छा शार्पनेस देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे आप देख सकते कि 12 लेवल तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते। जबकि नीचे भी आता है तो यहाँ पे आप देख सकते कि 10.50 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगेगा, जो कि 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट लगने का चांसेस है। जबकि यहाँ से ऊपर ही जाने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।